हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया है। देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 4 है, चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न सूचनाओं से मकान के वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए। नगरपालिका मूल्य दिया हुआ है, उचित किराया दिया हुआ है, मानक किराया दिया हुआ है, वास्तविक किराया दिया हुआ है, गत वर्ष मकान 2 माह खाली रहा और प्राप्त किराया 50,000 रुपया। नियम 4 की शर्तों को, क्वेश्चन में जो कुछ नया है ना वो लिखा हुआ है, गत वर्ष में मकान 2 माह खाली रहा और प्राप्त किराया 50,000। नियम 4 की शर्तें पूरी होती है। तो सबसे पहले जो है ना आपको यह समझना है कि ये नियम 4 होता क्या है। नियम 4 का मतलब है कि यदि आपका मकान खाली रहा है ना, तो आप जो है ना इनकम टैक्स ऑफिसर को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारा मकान खाली रहा है, या फिर आपने सभी तरह से कार्रवाई कर ली है कि किराएदार ने आपको किराया नहीं दिया है, या फिर आपने जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है, चाहे वो मुकदमा हो, चाहे वो थाने में कार्रवाई हो या फिर कोर्ट में हो, आप जो है ना किराएदार के ऊपर सभी तरह से कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं, फिर भी आपको किराया प्राप्त नहीं हुआ है और इनकम टैक्स ऑफिसर को यह यकीन हो जाता है कि आपने पूरी कार्रवाई कर ली है, तो ऐसे कंडीशन में नियम 4 लागू होता है। ठीक है, नियम 4 लागू होने का मतलब है रूल 4 कि आपको अप्राप्त किराए की रकम की छूट मिलेगी। तो आगे क्वेश्चन कहता है, मकान के वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए। तो वार्षिक मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको जीएवी निकालना होगा। ये फॉर्मेट है कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू फॉर द असेसमेंट ईयर 2017-18 पार्टिकुलर्स अमाउंट। जीएबी निकालने के लिए जो फॉर्मेट है वो है MB, FR, SR, AR तथा ER। क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है वो देखिए। नगरपालिका मूल दिया हुआ है 4 लैक्स, ये दिया हुआ है 4 लैक्स, FR दिया हुआ है 3,60,000 और SR दिया हुआ है 450,000। AR मकान 2 माह खाली रहा है, वास्तविक किराया जो है ना 50,000 पर मंथ है, एक साल में 12 महीना होता है, 2 महीना खाली रहा, 10 महीना, ये हो गया कितना 5 लाख। रूल कहता है MBFR में से बड़ा बट नॉट एक्सिस ओवर SR, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जो बड़ा होगा, बड़ा कौन सा है 4 लाख, वो ER कहलाएगा। अब AR तथा ER में से जो बड़ा होगा वो GB कहलाएगा। बड़ा कौन सा है 5 लाख, ये 5 लाख क्या हो गया GAV, ये 5 लाख यहाँ लिखेंगे लोग GAV 5 लाख। इसमें लेस कर देंगे हम लोग म्यूनिसिपल टैक्स। इसमें भी कंडीशन है, यदि म्यूनिसिपल टैक्स मालिक ने चुकाया है या फिर करदाता ने चुकाया है तभी लेस करेंगे, नहीं तो हम लोग लेस नहीं करेंगे। उससे पहले अपराध किराया है 50,000, तो इसमें आप लेस कर सकते हैं माइनस एरियर ऑफ रेंट कितना 50,000, ये हो गया 4,50,000 और म्यूनिसिपल टैक्स कितना है 25,000 है, ये हो गया 4,25,000, ये कहलाएगा एनुअल वैल्यू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।